अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। जो स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन है, इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। बाकी जो स्टूडेंट साथ के साथ ऑनलाइन होंगे, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं इनकी अटेंडेंस मार्क करूँगा। तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी लेक्चर की। आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम से नेटवर्किंग के टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिस्कस स्टार्ट किया हुआ था, तो आज नेटवर्किंग का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो किसी और सब्जेक्ट की तरफ मूव कर चुके होंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, कि TCP/IP कैसे हमारे नेटवर्क के अंदर जो है वो काम करते हैं, या TCP/IP मॉडल जो है ये क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे इंटरनेट के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर। अगर ये मॉडल होगा तो हमारा इंटरनेट, हमारा नेटवर्क जो है वो काम करेगा, अदरवाइज हमारा इंटरनेट और नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। TCP/IP मॉडल, इट वॉज डिजाइन एंड डिवेल्प बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD इन 1960 एंड इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। वो कहता है कि 1960 के अंदर USA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया है, इसको डिजाइन किया है, और उस वक्त कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो थे वो इसमें शामिल थे। वो आगे चल के हम प्रोटोकॉल भी डिस्कस करेंगे। इट स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। द TCP/IP मॉडल इज कंसाइज वर्जन ऑफ द OSI मॉडल। आप ये भी कह सकते हो कि जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल डिस्कस किया था या लेयर मॉडल डिस्कस किया था, उसको कंसाइज करके, कम करके, छोटा करके, मेन उसमें से जो लेयर्स हैं उनको उठा के ये मॉडल जो है वो डिजाइन किया गया, और इसके अंदर 4 डिफरेंट लेयर जो हैं वो वर्क करती हैं, जिसमें आपकी प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट में ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस के अंदर लिंक लेयर जो है वो इस्तेमाल होती है। और इसका TCP/IP मॉडल के अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें जो मेन लेयर्स हैं उनमें आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये वो लेयर्स हैं जो कि इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होती हैं आपके TCP/IP के अंदर। वन बाय वन हम इन लेयर्स का जो वर्किंग है इसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो कि मैं आपको ये भी पहले भी बता चुका हूँ कि ये OSI रेफरेंस मॉडल में लेयर नंबर 2 है, जो कि फिजिकल के ऊपर, यानी जिसके ऊपर हमारी फिजिकल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होंगी, तो आप इंटरनेट के साथ जो है वो अपनी वर्किंग जो है, अपना डेटा जो है वो शेयर कर सकते हो, फाइल्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आगे चल के हम कमिंग स्लाइड्स के अंदर उन प्रोटोकॉल को भी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। दिस लेयर कॉरस्पॉन्ड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। यानी OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर 2 लेयर्स ही, जिसमें एक डेटा लिंक लेयर थी और एक हमारी फिजिकल लेयर थी, उन दोनों को अगर कंबाइन करें तो वो TCP/IP के अंदर नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो बनती है। इट लुक्स आउट ऑफ हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड प्रोटोकॉल प्रेजेंट इन दिस लेयर अलाउ फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। और इसका काम क्या है कि फिजिकली हार्डवेयर के साथ उसकी एड्रेसिंग करना, प्रोटोकॉल को प्रेजेंट करना और साथ के साथ डेटे को फिजिकली जो है वो ट्रांसमिट करना। वो जस्ट टॉक अबाउट ARP बीइंग, इसको हम दूसरे लफ्जों में ARPANET भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जो है ARPANET ही वजूद में आया था और इस ARPANET ने ही वर्किंग जो है वो स्टार्ट की। बीइंग अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट डिक्लेयरिंग इट एज अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। यानी उस वक्त ARPANET वालों ने जो है जब प्रोटोकॉल डिजाइन कर लिए तो उन्हें खुद भी इसको कन्फ्लिक्शन हो रही थी, उनको इसको कौन सी लेयर का नाम दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों लेयर्स को इकट्ठा किया और दोनों लेयर्स को इकट्ठा करके उसका नाम रख दिया नेटवर्क एक्सेस लेयर। इट डिस्क्राइब एज अ डिजाइनिंग इन लेयर 3 बींग इनकैप्सुलेट बाय द लेयर 2 प्रोटोकॉल। और लेयर 2 और लेयर 3 के जो प्रोटोकॉल है उन दोनों को ये जो है वो
इनकैप्सुलेट करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेट लेयर। दिस लेयर पैरेलल द फंक्शंस ऑफ ओएस नेटवर्क लेयर। वो कहता है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो हमारा था उसकी नेटवर्क लेयर के जितने भी फंक्शंस थे उन तमाम फंक्शंस को ये इंटरनेट लेयर जो कि नंबर टू पे है वो एक्सेस करती है। अब ये नंबर टू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपकी TCP/IP के अंदर है, ना कि आपका OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर, जबकि OSI रेफरेंस मॉडल में नेटवर्क लेयर आपकी काम की डिफाइंस द प्रोटोकॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। और इसका काम क्या है कि आपके डेटे को लॉजिकली ट्रांसमिट करना है प्रोटोकॉल्स के ऊपर ओवर द इंटायर नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर। द मेन प्रोटोकॉल द एट दिस लेयर, और इस प्रोटोकॉल के ऊपर जो जो लेयर या जो प्रोटोकॉल काम करते हैं इस लेयर के ऊपर उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जी आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन एंड होस्ट बाय लुकिंग एट आईपी एड्रेस इन द पैकेट होल्डर। अब वो क्या कहता है कि पैकेट के जो हेडर्स आते हैं उनके ऊपर आईपी को चेक करता है और उसको सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स के ऊपर जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईपी हैज वर्जन, इसके दो डिफरेंट वर्जन है आगे चल के जो हमने डिस्कस करने हैं। एक IPv4 वर्जन है, एक IPv6 वर्जन है। IPv4 इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर यूजिंग करंटली। आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो IPv4 यूज करती हैं, बट IPv6 इज ग्रोइंग एज अ नंबर ऑफ IPv6 एड्रेसेस आर लिमिटेड इन नंबर व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ द ऑफ यूजर। वो कहता है कि IPv6 भी काम कर रहा है लेकिन ज्यादातर, क्योंकि IPv4 पुराना है इसलिए ज्यादातर जो वेबसाइट है वो IPv4 के ऊपर जो है वो वर्क कर रही है। नेक्स्ट हमारा जी ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये जो आप मैसेजिंग करते हैं, चाहे वो आपका सेलफोन है चाहे वो आपका लैपटॉप है, जब आप एक दूसरे के साथ मैसेजिंग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल हमारा कॉल हो रहा होता है वो ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज इनकैप्सुलेट विद इन आईपी डायग्राम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग होस्ट विद इन इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम। यानी किसी भी किस्म के नेटवर्क के प्रॉब्लम को खत्म करते हुए, रिजॉल्व करते हुए इसका काम क्या है, होस्ट टू होस्ट प्रॉपर तरीके से आपके मैसेजेस को जो है वो पहुंचाना है, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से होती रहे। नेक्स्ट है नंबर थर्ड पे ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट्स जॉब is to find the hardware address of the host from known IP address. वो कहता है कि इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि ये IP address, यानी कि जो आपका IP address आ रहा है वो host के hardware से check करेगा, उसको find करेगा और जो आपका दूसरा client system है उसके ऊपर उसको जाके वो मिट करेगा। ARP has several types. इसकी मुख्तलिफ types हैं जिसमें reverse ARP है, proxy ARP है, गेंट्रेस ARP है और इनवर्स ARP है। तो ये मुख्तलिफ तरह के ARP हैं जो हमारे इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा होस्ट टू होस्ट लेयर, नंबर थर्ड पे। दिस लेयर इज एनालॉग्स टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल की हम बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन जो है वो होती है। तो ये उस लेयर की बात कर रहा है कि TCP/IP के अंदर आपका जो थर्ड लेयर है वो होस्ट टू होस्ट लेयर है, और अगर मैं OSI रेफरेंस लेयर की बात करूं तो उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा। उसका काम क्या है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करना और आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिलीवर करना, ताकि जो है वो डेटा आपका करंट सिस्टम पे या होस्ट सिस्टम पे या क्लाइंट सिस्टम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा, और उसको एरर खत्म करके उस डेटे को जो है वो आपको ट्रांसफर करता है। इस शील्ड द अपर लेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डेटा। और इसका ये भी काम है कि जो अपर लेयर, यानी कि जो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, उन लेयर्स के ऊपर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है उनको भी कवर करना है। देयर आर टू मेन प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट इन द लेयर। इस लेयर के अंदर दो तरह के प्रोटोकॉल जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। एक आपका TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा आपका है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम TCP की बात कर रहे हैं।
It is known to provide reliable and error-free communication between end system. यानी कि जहां से डेटा आपने सेंड किया है उससे लेकर एंड ऑफ द एंड तक, यानी जहां पे डेटे को जाना चाहिए, एंड सिस्टम आपका है, एंड यूजर है, उस तक डेटे को 100% श्योरिटी के साथ जो डेटे को ट्रांसमिट करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, वो इसका काम है. इट परफॉर्म सीक्वेंस एंड सेगमेंटेशन ऑफ डेटा. इसका काम क्या है कि एक सीक्वेंस बना के रखना और डेटा की सेगमेंटेशन करना. इट आल्सो हैज एक्नॉलेजमेंट फीचर एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म. और इसका ये भी काम है कि जब डेटा वहां पे ट्रांसमिट हो जाए तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड करनी है, रिटर्न करनी है, ताकि अब पता चल सके कि आपका जो डेटा है वो एंड यूजर तक आसानी जो है वो ट्रांसमिट किया जा चुका है. इट इज वेरी इफेक्टिव प्रोटोकॉल बट अ लॉट ऑफ ओवरहेड ड्यू टू सच फीचर. वो कहता है कि इस प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ओवरहेड, बहुत सारे फीचर जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. इंक्रीज्ड ओवरहेड लीड्स टू इंक्रीज द कॉस्ट. जितने ज्यादा इसके ऊपर आप ओवरहेड करोगे, लेड डालोगे, लोड्स करोगे, उतनी ज्यादा इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी. यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आई तो वो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं. क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट है जी हमारे पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP. वन द अदर हैंड डज नॉट प्रोवाइड एनी सच फीचर. वो कहता है कि इसका देखा जाए तो दूसरे में किसी किस्म का कोई फीचर नहीं है लेकिन इट इज द गो टू प्रोटोकॉल इफ द Your application does not require reliable transport as it is very costly. ये उस वक्त काम करता है जब आपकी application जो है वो proper तरीके से काम नहीं कर रही होती, तो उस वक्त ये जो है UDP जो है वो अपना transportation के लिहाज से जो अपनी working start करता है. Unlike TCP, which is connection-oriented protocol, UDP is a connectionless. ये connectionless होता है और ये proper तरीके से data को transmit कर देता है. Number 4 पे है जी हमारी application layer, जिसको मैं दूसरे लफ्ज में सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कह रहा था, कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे आपने HTTP किया, चाहे HTTPS है, चाहे FTP है या TFTP है, टेलनेट है, SSH है, SMTP है, यानी आपने मेल सेंड की है, रिसीव की है. जब आप मेल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, तो उस वक्त SMTP इस्तेमाल होता है. जब आप फाइल को ट्रांसफर करते हो तो आपका FTP इस्तेमाल होता है. जब आप कोई फाइल जो आप वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें HTTP या HTTPS. तो ये सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं. तो देखते हैं जिसको दिस लेयर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ टॉप 3 लेयर ऑफ OSI मॉडल एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन. ये तीन वो लेयर हैं OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर जिनके ऊपर हमारी एप्लीकेशंस ने काम करना है और उनके साथ के साथ उनकी जो प्रोटोकॉल है वो भी काम करते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड. नोड टू नोड का मतलब है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एंड यूजर टू एंड यूजर. चाहे वो आपका सेलफोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका PDA हो, चाहे वो आपका डिजिटाइजर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका वो जो है PDA हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो या आपका सिस्टम हो, कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस, वो नोड टू नोड का मतलब ही यही है कि वो आपस में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होगी. कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल यूजर ट्रांसफर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन. और उसका लाजमी जो है वो एक इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस के थ्रू जो है आप कम्युनिकेशन करोगे. सम ऑफ द प्रोटोकॉल प्रेजेंट इन दिस लेयर HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, टेलनेट, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, SNFS, X-Window, LPD. तो ये वो प्रोटोकॉल हैं जो आम रूटीन में हम लोग अपने इंटरनेट के ऊपर, अपने सिस्टम के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो चला रहे होते हैं. हैव अ लुक ऑफ एट अ प्रोटोकॉल इन एप्लीकेशन लेयर फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोटोकॉल. वो कहता है कि इसके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर और भी प्रोटोकॉल की जिसकी इंफॉर्मेशन आगे चल के आपको मिलेगी, प्रोटोकॉल अदर देन दोज रिप्रेजेंट इन लिंक्ड आर्टिकल. कुछ आगे चल के एक दो आर्टिकल भी आएंगे उसके अंदर जो है वो आपको ये लिंक इनका मिल जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है जी HTTP एंड HTTPS. यानी कि इन दोनों का क्या मतलब, पहले प्रोटोकॉल को हम डिस्कस कर रहे हैं. HTTP स्टैंड पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मैंने आपको बताया कि जब भी कोई साइट हम ओपन करेंगे तो आपने देखा होगा उससे पहले आपका HTTP या HTTPS खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाता है. तो उसका मतलब ये है कि जो आपका वेब पेज बना हुआ है
जो वेबसाइट में कन्वर्ट हुआ है उस वेबसाइट को यानी HTML के जो डॉक्यूमेंट हैं उनको ओपन करने के लिए ये प्रोटोकॉल आपका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड द सर्वर, यानी कि हम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान में जो कम्युनिकेट करते हैं। HTTPS स्टैंड फॉर स्क्वेयर, यानी S जो है वो आपका सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP विद SSL स्क्वेयर सॉकेट लेयर के साथ ये मबनी है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो। फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये ना हो कि आपका क्रेडिट कार्ड का कोई कोड या पासवर्ड जो है वो मिसप्लेस हो जाए, तो इसलिए वो HTTPS जो है वो साथ के साथ काम कर रहा होता है। इट इज एफिशिएंट इन केसेस वेयर द ब्राउजर नीड टू फिल आउट फॉर्म साइन इन ऑथेंटिकेशन एंड कैरी आउट बैंक ट्रांजैक्शन। वही बात आ गई कि ये तमाम के तमाम जितने भी हैकिंग क्रैकिंग है उन तमाम को रोकने के लिए ये जो प्रोटोकॉल है ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSH। SSH स्टैंड फॉर सिक्योर शेल, इट इज अ टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर सिमिलर टू द टेलनेट। टेलनेट की तरह ही एक सिमिलर ये सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्ट आपने अगर कम्युनिकेट करना है तो आप SSH कर सकते हो या टेलनेट कर सकते हो। द रीजन SSH इज मोर प्रेफर्ड बिकॉज of its ability to maintain the encryption connection, कि अगर आपका डेटा जो है इनक्रिप्ट हो जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है और उसकी सिक्योरिटी को भी चेक करना है, उस चेक करते हुए डेटा को TCP/IP के ऊपर जो है वो चलाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास NTP। NTP स्टैंड फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक ऑन आवर कंप्यूटर टू वन स्टैंडर्ड टाइम जोन। जैसे कि आपके पास आपके सिस्टम के ऊपर जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो तो जो भी करंट टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे उस वक्त आ चुका होता है। अगर आप सेलफोन ऑन करते हो तो जो भी करंट टाइम है वो आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आ चुका होता है। तो बेसिकली ओके अज्यूम द फॉलोइंग सिचुएशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ NTP। सपोज यू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन वेयर यूर कंप्यूटर रीड the time at 2:30 PM while the server record it at 2:28 PM, the server can crash very badly if it out of synchronize. अगर वो synchronize नहीं करता तो क्या होता है कि आपका data जो है वो वहां से problem। तो ये ज्यादातर उस वक्त जो हमारे protocol काम कर रहे होते हैं वो basically हमारा NTP protocol काम कर रहा होता है। अब आज हमारे पास SSH जो है वो बेसिकली जैसे कि सिक्योर सेल ये होता है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो आपकी कम्युनिकेशन को वो ट्रांसमिट करता है, इनक्रिप्शन करता है आपके उस पासवर्ड की, उस ATM कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई बैंक के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब आपने क्रेडिट कार्ड नंबर दे उसके साथ आपने पिन देना है, अगर वो पिन आपका आउट होता है तो कोई भी हैकर जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड को मिसयूज कर सकता है। तो SSH का काम ही ये है कि उस कोड को फौरन ही वो इनक्रिप्शन में ले जाता है और उसको ट्रांसफर करके वो डेटा जो है वो बैंक के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करता है। इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है, आपकी ट्रांजैक्शन भी हो चुकी होती है और आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से स्क्वेयर भी रहता है। क्लियर हो गया आपको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज IP। What is IP? An internet protocol address is also known as IP address. वो कहता है कि जो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल आप लोग इस्तेमाल करते हो सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वो न्यूमेरिक कंडीशन में होता है तो उसको हम IP address बोलते हैं। It is a numerical label which assigned to each device connected to the computer network which use the IP for communication. वो कहता है कि जो भी आप एक न्यूमेरिक आईडी जो इस्तेमाल करते हो, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग आईपी कम्युनिकेशन कहते हैं, या कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी आप एड्रेस अप्लाई करते हो उसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस एक्ट एज आइडेंटिफायर फॉर अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म मशीन ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। वो कहता है कि आईपी क्या करता है कि आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है ताकि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क करे और प्रॉपर तरीके से जो है वो आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा हो। आईपी एड्रेस स्पेसिफाइड द टेक्निकल फॉर्मेट ऑफ द एड्रेसिंग
एंड पैकेट स्कीम। वो कहता है कि एक स्पेसिफिक एड्रेसिंग स्कीम और पैकेट स्कीम के थ्रू जो है ये डिफाइन किए गए हैं, मोस्ट नेटवर्क कंबाइंड आईपी विद आर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट आल्सो डेवलपिंग अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन डेस्टिनेशन टू एंड आर सोर्स। वो कहता है कि आईपी का काम क्या है, डेस्टिनेशन से सोर्स और सोर्स से डेस्टिनेशन जो है वो आपस में कनेक्शन को कंप्लीट करके रखना, ये आईपी का काम है। यानी दोनों सिस्टम में जो है वो मुख्तलिफ तरह के एड्रेसेस जो है वो दिए जाते हैं और उन एड्रेसेस के थ्रू जो है वो आपका सिस्टम जो है वो कनेक्ट होता है। इसमें सबसे पहले जी हमारा व्हाट इज आईपीवी4, यानी मैंने आपको बताया कि पहले जो हमारे पास थे वो दो तरह के आईपी काम कर रहे थे, एक आईपीवी4 है जो कि ओल्ड है और अब न्यू जो डेवलपमेंट आई वो आईपीवी6 की आई। आईपीवी4, आईपीवी4 वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ आईपी, आईपीवी4 पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है। इट वाज डेवलप फॉर प्रोडक्शन इन द आर्पानेट इन 1983 के अंदर आर्पानेट ने जो है वो इसको डिजाइन किया। टुडे इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड आईपी वर्जन, आजकल जो है वो आईपी वर्जन बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है उसमें आईपीवी4 एंड आईपीवी6 है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन अ नेटवर्क यूजिंग एन एड्रेसिंग सिस्टम, हम एड्रेस सिस्टम के थ्रू नेटवर्क के ऊपर, चाहे वो आपका सेल फोन है, चाहे वो आपका टैबलेट है, चाहे वो आपका पीडीए, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका सिस्टम है, जो भी डिवाइस नेटवर्क के ऊपर अटैच होगी वो थ्रू किसी ना किसी आईपी एड्रेस के थ्रू होगी। आईपी एड्रेस यूज अ 32 बिट एड्रेस स्कीम अलाउइंग टू स्टोर 2×32 एड्रेसेस व्हिच इज मोर देन 4 बिलियन एड्रेसेस। वो कहता है कि 32 एड्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी पावर 2 टाइम, तो इस तरह 4 बिलियन ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। टिल डेट इट इज कंसीडर्ड द प्राइमरी इंटरनेट प्रोटोकॉल, कैरीड 94% ऑफ इंटरनेट, जो कि इसको कहा जाता है कि इस वक्त ये प्राइमरी इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इस टाइम जितना भी आपका नेटवर्क है उसका 94% जो है वो ये अज्यूम जो है वो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज आईपीवी6, इट इज द मोस्ट रिसेंटली वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला यानी लेटेस्ट जो वर्जन है वो आईपीवी6 है। इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर इनिशिएट इन इज इट इन अर्लियर 1994, वो कहता है कि जो आपका इंटरनेट डेवलपर्स है उसने इसको 1994 के अंदर जो है वो डिजाइन किया और डेवलप किया। द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डैट सूट इज स्लो नाउ कॉल्ड आईपीवी6, वो जो डिजाइनिंग थी डेवलपमेंट थी अब हम उसको जो है आईपीवी6 जो है वो कहते हैं। दिस न्यू आईपीवी एड्रेस वर्जन इज बीइंग डिप्लॉयड टू फुलफिल द नीड ऑफ फॉर द मोर इंटरनेट एड्रेस, वो कहता है कि इसने आके जितनी भी एड्रेसेस आईपी एड्रेसेस की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया। इट वॉज एमिट टू रिजॉल्व इशू विच आर एसोसिएटेड विद आईपीवी4, और आईपीवी4 में जो भी इशू आता था उन तमाम इशू को इसने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट किया। विच 128 बिट एड्रेस, जो कि 128 बिट का एड्रेस है, इट अलाउ 340 अंडर एंडलियन यूनिक एड्रेस स्पेस, और इसकी 340 एंडलियन जो है वो यूनिक एड्रेस है। आईपीवी6 आल्सो कॉल्ड आईपिंग, इसको दूसरे लफ्जों में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं। नीचे एक डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम के अंदर आपको वाजे फर्क जो है वो पता चल रहा होगा कि आईपीवी4 जो है उसमें क्या कंडीशन थी और आईपीवी6 में जब आया तो आईपीवी6 के अंदर जो है वो क्या कंडीशन हुई और किसके तहत जो है वो जो वर्किंग करते रहे। नेक्स्ट हमारे पास है ये टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो हमारे वर्किंग हो रही होती है, जो हमारे प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, उसमें एफटीपी 21 है पोर्ट, टेलनेट की 23 पोर्ट है, 25 एसएमटीपी की है जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, 37 पोर्ट नंबर है आपका टाइम का, इसी तरह से 69 है, 79 है, 103 है, 161 है और प्रोटोकॉल इसी तरह 162 है। तो ये मुख्तलिफ पोर्ट होती हैं जो कि आपके इंटरनेट के ऊपर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टीसीपी आईपी, नेक्स्ट है जी हमारे पास टीसीपी आईपी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन लेयर पे आप फाइल ट्रांसफर एफटीपी, रिमोट लॉगिन टेलनेट और ईमेल एसएमटीपी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो।
ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप टीसीपी एंड यूडीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हो। नेटवर्क लेयर के ऊपर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। डाटा लिंक और फिजिकल लेयर के ऊपर आप तमाम फिजिकल डिवाइसेस, स्विच है, राउटर है, सीरियल है, फ्रेम है, X25 है, FID है, टोकनिंग है, यानी तमाम टोपोलॉजीज, तमाम फिजिकल केबल वो आप इनके ऊपर जो है वो इस्तेमाल। अब है जी हमारे पास आईपी एड्रेस की स्कीम। तीन मेन क्लासेस है इसमें, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास में एक में एक नेटवर्क है, तीन होस्ट हैं। क्लास बी के अंदर दो नेटवर्क हैं, दो ही होस्ट हैं। और क्लास सी में तीन नेटवर्क हैं, एक होस्ट है। तो वन बाय वन इसकी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लास ए में आपके पास जो रेंज है वो 10 नेटवर्क, एक आईपी दिया हुआ है 10.222.135.17। इसमें जो नेटवर्क है वो 10 और आपका जो होस्ट है वो ये है। इस पे 1 से लेकर 126 तक, यानी यहाँ पे आप मैक्सिमम 126 जो है वो दे सकते हो। और इस तरह इसके ऊपर जो टोटल कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो वो 1,67,70,214 कंप्यूटर जो है वो क्लास ए के अंदर आप एक वक्त में कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह क्लास बी की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 128 से लेकर 191 तक, और इसके अंदर आप 65,534 कंप्यूटर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हो। एक आईपी एड्रेस जो है वो ऊपर डिफाइन कर दिया गया है 128.128.141.245। ये एक फर्जी आईपी एड्रेस है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको जो इसमें याद रखना है वो ये रखना है कि इसकी रेंज कितनी है। क्लास ए की रेंज थी 1 से लेकर 126 तक, क्लास बी है 128 से लेकर 191 तक, इसी तरह से क्लास सी है आपका 192 से लेकर 223 तक। ये इनकी रेंज है। इसके अलावा जो रेंजेस हैं वो मुख्तलिफ तरह के रिसर्च वर्क में टेस्टिंग लैब्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ओके जी, मैं नेक्स्ट बार शेयर करने लगा हूं और उसे कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम क्लास सी की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेकर 126 तक है। इसके बाद 127 का जो आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, इसको हम बोलते हैं लूपिंग आईपी एड्रेस। इसी तरह से क्लास बी का जो आईपी एड्रेस है वो 128 से लेकर 191 तक है। इसी तरह से क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी जो आपकी स्टार्ट होती है वो 192 से लेकर 223 तक इसकी जो रेंज है, और इसमें आप जो है 254 कंप्यूटर जो है वो आपस में एक वक्त में कनेक्ट कर सकते हो। ये इसके जो है मुख्तलिफ वही बता दिया गया है। क्लास ए 126 नेटवर्क्स हैं, क्लास बी के जो है वो आपके 16,834 जो है वो नेटवर्क हैं, और इसी तरह से क्लास सी जो है इसमें आप 2,97,152 कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क्स आपके पास हैं, और इतने होस्ट आपके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये इसकी बैन रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि होस्ट स्पेस एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस दोनों को देखते हुए आप अपने नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी, देयर आर थ्री मेजर कैटेगरी और IPv6। IPv6 की अब हम कैटेगरी की बात करें तो उसमें यूनिकॉस्ट है, मल्टी कॉस्ट है और एनी कॉस्ट है। यानी कि मैंने आपको IPv6 के बारे में लास्ट एक दो स्लाइड्स पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें ये बताया था कि ये हमारा 94 के अंदर डिजाइन एंड डेवलप हुआ, और 94 से लेकर अब तक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी IPv4 के अंदर उसको रिजॉल्व करने वाला जो IP था वो हमारा IPv6 था। सबसे पहले जी यूनिकॉस्ट फॉर अ सिंगल इंटरफेस। अगर एक कंप्यूटर के साथ आपने कनेक्ट करना है तो आप यूनिकॉस्ट करोगे। अगर आपने एक सेट यानी एक पूरी लैब डिजाइन करनी है तो उसके लिए फिर आप मल्टीकास्ट करोगे फॉर अ सेट ऑफ इंटरफेसेस ऑन अ सेम फिजिकल मीडियम। अ पैकेट इज सेंट टू ऑल इंटरफेसेस एसोसिएटेड विद द एड्रेसिंग विद द एड्रेस। वो कहता है कि इसमें क्या है कि आप एक पूरा इंटरफेस, एक पूरा पैकेज बना सकते हैं और उस पैकेज को तमाम इंटरफेसेस के ऊपर सेट कर सकते हैं। एनी कॉस्ट में क्या है, फॉर अ सेट ऑफ इंटरफेसेस ऑन द डिफरेंट फिजिकल मीडिया, पूरे फिजिकल मीडिया के ऊपर आप सेंड कर सकते हो। अ पैकेट इज सेंड टू ओनली वन ऑफ द इंटरफेसेस एसोसिएटेड विद दिस एड्रेस, नॉट टू ऑल द इंटरफेसेस। वो कहता है कि सिर्फ किसी खास किस्म के सिस्टम के ऊपर अगर आपने सेंड करना है तो फिर आप इस जो आईपी एड्रेस है यानी एनी कॉस्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया जी।